गोल्डन लंगूर जैसे आप देख सकते हैं। आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा, ये तवांग से आया है, तवांग। सो हियर यू गो। सो गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सराय डिजिटल नेटवर्क। सो आज का डायरेक्टली वीडियो रास्ता से ही शुरू किया बिकॉज आज हम लोग का डायरेक्टली जर्नी है बूमथांग टू आपका ये मानस। तो शुरुआत में ही देखो, जब हम जस्ट उठा है अभी, मतलब हम जर्नी मिस हो रहा था, क्या मिला, बर्फ। जस्ट चेक आउट गाइस, भूटान में बर्फ एंड यहाँ ठंडा है। सो हियर यू गो। ये आप देखो, यहाँ में ये जो पेड़ में दो तीन जो है, ये वाइट लंगूर है, पूरा वाइट कलर में ये पेड़ का ऊपर है, ये एक दो तीन, रियली ब्यूटीफुल। अच्छा भी है। चेक दिस आउट, यहाँ में है आपका गोल्डन लंगूर जैसे आप देख सकते हैं, पूरा कलर जो इसका गोल्डन है, सी और ये नीचे जम मार दिए इसने। सो राइट नाउ वी आर एटिंग टीवी, यहाँ में हम लोग आया है लंच खाने के लिए। एंड पूरा रास्ता आपने देखा होगा कि हम लोग पूरा जंगल का वही से आया था बिकॉज हम लोग अभी जो है रिजर्व एरियाज के अंदर में है। सो इसलिए यहाँ में पूरा जंगल है और कल हम लोग जहाँ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो भी एक बहुत बढ़िया वाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो हम लोग वहीं जाएगा। आफ्टर कंटिन्यूस आवर्स ऑफ ट्रैवलिंग हम लोग पहुँचा है एक बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू में, देखो मेरे पीछे में, देखो पहाड़, बादल और यहाँ नीचे में खाई। अब यहाँ से हम लोग और आगे जाना है, आई थिंक एक दो पहाड़ क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुँचेगा मानस में। एंड अभी थोड़ा थोड़ा एक घर में है टाइप का फीलिंग आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, थोड़ा दिल जो है भारी भारी हो रहा है। मैं भी बहुत समय से घर में नहीं गया ना, इसलिए होता है। बाहर घूमना जितना इंटरेस्टिंग लगता है
वो है, लेकिन थोड़ा घर का भी टाइम टू टाइम में याद आता है। मानस जाने के रास्ता में हम लोग को मिला है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो शायद आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा। लुक बिहाइंड मी, दो वाटरफॉल एक साथ, ये आपने शायद कभी नहीं देखा होगा इन द फर्स्ट टाइम। नाउ वी आर ऑन आवर वे टू मानस एंड लुक, ट्विन वाटरफॉल। बहुत बारिश, बहुत झरना, अच्छा चलो ठीक है। फाइनली हम लोग आज का स्टे में पहुंच गया आफ्टर कंटिन्यूस ट्रेवल। अभी टाइम हो रहा है 5:21 एंड दिस इज आवर स्टे इको लॉज एंड कुछ ऐसे टाइप से है व्यू। और ये हम लोग का बस यहाँ में रखा है और ये सब जो है हम लोग का रूम होगा। ये जो आपको हट दिखाई दे रहा है ये सब है हम लोग का रूम। ऊपर से हट है बट साइड साइड से आपको टेंट लगा के रखा है। दीज आर ऑल आवर रूम्स। सो नया एक्सपीरियंस फॉर द फर्स्ट टाइम। एवरी टाइम आरसीसी या घर तो नहीं मिलेगा, सो हम लोग आज थोड़ा नेचर के साथ मज़ा लेने आया है, इसलिए हम लोग का जो पूरा नेचर वाला फीलिंग आने वाला है। सो अगर आप सभी को इस लॉज का एड्रेस जानना है तो ये है आपका पनबंग टाउन में और इसका नाम है इको लॉज। और कल हम लोग विजिट करेगा रॉयल मानस नेशनल पार्क और एक चीज़ हम बता देगा कि यहाँ में आपका वाईफाई का फैसिलिटी नहीं है। अभी से पहले हम लोग जितना भी होटल में बैठा था वहाँ में सब वाईफाई का फैसिलिटी था, यहाँ में नहीं है। तो इससे क्या है कि आप आज और कल जितना दिन आप स्टे करेंगे यहाँ में आप डायरेक्टली सोशल मीडिया से कनेक्शन छूट जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं, मतलब नॉट फॉर सोशल मीडिया एंड ऑल, बट हम बोलते हैं कि सो इफ़ यू आर कमिंग टू भूटान फॉर लाइक 10-15 डेज देन आप एक भूटान का सिम ज़रूर ले लो, क्योंकि कभी कभी इमरजेंसी के टाइम में काम आ सकते हैं। हमने तो ले लिया था फर्स्ट डे फुनसुलिंग में ही, जैसे आपने देखा था। कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है आपका, 200-300 में आपको सिम मिल जाते हैं। उसके बाद आपको डाटा पैक डालना है तो वो आपको ऊपर आप कितना कितना डालते हैं, 199 ऐसे कर करके है। अभी थोड़ा देर में रूम देखिएगा रूम कैसे है। परफ्यूम कबाब एक है हमारा गांव में, लेकिन अभी साल गुम हो गया वो। चौचम लेक वाला बात का हम ये है पापा हम दोनों का रूम। यहां से आप अंदर जाएगा और यहां है अंदर और यहां चैन है। लाइट नहीं है तो सबसे पहले लाइट लगा लेते हैं हम उसके बाद। तो अभी यहां में ये है हम लोग का आज का नाइट का स्टे। सो यहाँ में आपको दो थू बेड मिल जाता है एंड यहाँ में सामान है, नीचे में आपको कारपेटिंग है और यहाँ एक टेबल और ये। सो कुछ इस तरह से है ठंडा महीने में पंखा। सो फर्स्ट टाइम इन अ टेंट, देखते हैं आज मेरा एक्सपीरियंस कैसे जाता है। और ऑब्वियसली ये डायरेक्टली एग्जैक्टली जो कैंपिंग वाला टेंट नहीं है, थोड़ा स्टैंडर्ड है। यहाँ पूरा बाहर में जो है नेचर का आवाज़ है और ये वाला जो लाइट है ये कोई फैंसी लाइट नहीं है, ये मेरा बाईसाइकिल का जो हेडलाइट था हम गुवाहाटी में यूज़ करता था वही हम लेके आया। सो अभी टाइम हो रहा है 8:07 एंड यहाँ पर सब अभी डिनर कर रहे हैं। फाइनली वी आर हैविंग डिनर इन आवर इको लॉज फॉर टुडे। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, अभी कल देखा जाएगा कल क्या होगा। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो रात को नींद तो बहुत ही अच्छा आया बिकॉज पूरा आपको नेचर का साउंड सुनाई दे रहा था। इवन अभी भी पूरा यहाँ में चिड़िया का आवाज़ सुनाई दे रहा है एंड रात को बारिश बहुत हुआ था तो एज यू कैन सी ग्रास पूरा भीजा हुआ है, बट नेवरदिलेस एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। एनीवेयर का सर्विंग अच्छे चाय पी रहा है। हाँ आज हम लोग जो है यहाँ पनबंग से मनबर की तरफ जाएगा।
एक्चुअली हम लोग का जो प्लान था आज हम लोग जो है रॉयल मानस नेशनल पार्क घूमने का, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स हम लोग का जो सिचुएशन होने का वजह से हम लोग को ये वाला जो रॉयल मानस नेशनल पार्क को जो हम लोग आज प्लान जो है ड्रॉप आउट कर रहे हैं। हम लोग आज जा रहे हैं टुवर्ड्स मनबर। सो पंदंग टाउन का अभी हम लोग यहाँ में आया है, यहाँ में क्राफ्टिंग का सामान मिलता है, तो देखिएगा अंदर में क्या मिलेगा हम लोग को। मेनली हम लोग यहाँ जिस सामान के लिए आया है वो है पंचम। पंचम एक बास्केट है जो क्या हैंडीक्राफ्ट वाला, उसमें क्या क्या हम लोग ज्वेलरी रोक रखता है वो वाला बास्केट टाइप का चीज़ है, वो लेने आया हम लोग। यहाँ में देखो आपको यहाँ में टोकरी है पूरा बनाया हुआ, छोटा सा इसका टोकरी है। ये बास्केट छोटा सा, ये थोड़ा बड़ा साइज का है, फिर ये और भी थोड़ा बड़ा साइज है, अलग अलग टाइप का डिज़ाइन है। चेक दिस आउट, ब्यूटिफुली क्राफ्टेड। नेक्स्ट वी हैव दिस, फिर एंड दिस इज द मेन थिंग जो हम लोग देखने आया था बंचम, बट अभी यहाँ में स्टॉक में ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो जिसको जितना मिला सब लेके जा रहे। किसी को एक मिला, किसी को दो मिला, किसी को छोटा साइज मिला और किसी को नहीं मिला। तो यहाँ में हम लोग जो मेन चीज़ जो देखने आया था वो हम लोग को नहीं मिल पाया, बट नेवर डिलेस नो प्रॉब्लम, चलो जितना जिसको मिला उतना उसका लक है। और यहाँ में देखो छोटा छोटा करके ये, इसको हिंदी से क्या बोलता था हम भूल गया, बट हम लोग का बुगुन लैंग्वेज में इसको बखा बोलते हैं, बखा। इसमें वो चावल को वो छानने के लिए। तो हम लोग का अंकल जी ने शॉपिंग किया है एक टू हेड, बहुत मैच कर रहा है अंकल को। आपको कैसा लगा ये हेड अंकल? बहुत सुंदर। और साथ में अंकल लकी हो गया, एक बंसम जो अंकल को भी मिल गया, छोटा है। सो राइट नाउ वी आर एट नंगलम पेट्रोल पंप, और एक चीज़ आपको इंटरेस्टिंग दिखाएगा, इंडियन गाड़ी, ये भी इंडियन गाड़ी AS। यहाँ में इंडियन गाड़ी लोग पेट्रोल भरने आते हैं सस्ता रेट में। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वाइट नंबर प्लेट देखने मिला। तो अभी हम लोग रुका है लंच खाने के लिए, ये वाला जो रेस्टोरेंट मेरे पीछे में आप देख रहे हैं इसमें हम लोग लंच खाने वाला है, बट लंच से इम्पोर्टेंट क्या है वो हम आपको दिखाएगा कि ये रेस्टोरेंट का नाम क्या है। सो चेक दैट आउट, तामंग रेस्टोरेंट तेलुंग। हम लोग अभी नंगलम में है, तो तामंग रेस्टोरेंट तो आप सभी ने देखा अभी कैसे कैसे करके रास्ता छोटा हो रहा है, एंड यहाँ से आपको नीचे में एक सीनरी दिखा देगा। ये पूरा नदी है और वो दो पहाड़, और हम लोग का रास्ता जो वो है अभी नज़र नहीं आएगा यहाँ से, बिकॉज लाइक रास्ता बहुत छोटा है, ये तो थोड़ा बड़ा है दो गाड़ी जाने का, आगे का रास्ता लोग तो बस इसका आधा ही था। और यहाँ जो नदी जो नीचे जा रहा है ये उधर में जाके संगम में ज्वाइन हो जाएगा दो नदी, एंड ये तावांग से आया है, तावांग। सो मेरा पीछे में आप देख सकते हैं ये टाउन है, इसका नाम है गेलपोशिंग, एंड हम लोग ने जो खतरा रास्ता करके आया था उसका बाद में ये वाला टाउन आता है। अभी ये टाउन जस्ट नया बनाया है, अभी भी इसका फुल प्लानिंग चल रहा है, एंड यहाँ पे पूरा सेटलमेंट प्लानिंग के साथ बनाया गया है ये टाउन, एंड गवर्नमेंट जो है इनक्रेज कर रहे हैं टू द सिटीजन्स कि वो लोग यहाँ आकर बैठो बोल के, बट ड्यू टू द रोड कंडीशन जैसे हम लोग आया था थिम्पू से यहाँ में कनेक्शन करने के लिए बहुत तकलीफ हो जाता है, रोड बहुत ज़्यादा ही लंबा और ख़तरनाक है, तो लोग अभी यहाँ आना नहीं चाहते हैं, बट गवर्नमेंट जितना हो सकता है अपना तरफ से इनिशिएट कर रहे हैं कि यहाँ आकर बैठो बोल के।
सो लेट्स सी साइड फ्यूचर में ये वाला जो है जो टाउन है ये चमक सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है आपका इंडिया बॉर्डर सामने है, तो इसको अगर आपको देखना है देन यू कैन कम थ्रू इंडिया बॉर्डर ऑल्सो। सो फाइनली आफ्टर अ कंटिन्यूस ट्रेवल एंड टाइम इज 5:35 हम लोग पहुँच गया मोंगर एंड आई थिंक वी आर गोना स्टे इन दिस होटल ड्रुक जोंखार होटल मोंगर ईस्टर्न भूटान। सो राइट नाउ वी आर इन ईस्टर्न भूटान एंड हम लोग ने थिम्पू विम्पू सब पूरा छोड़ छाड़ के अभी हम लोग मोंगर पहुँच गए एंड स्लोली स्लोली वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ आवर ट्रिप। अभी दो तीन दिन में ही हम लोग फिर से आसाम बॉर्डर पहुँच जाएगा ड्रुक जोंखार। अभी यहाँ में विल हैव अ टी एंड आफ्टर दैट हम लोग सब रूम में जाके एकदम फ्लैट होने वाला है, पूरा थक गया ना सब ट्रैवलिंग कर करके थक गया। सो जस्ट चेक आउट टुडेज टी इट्स कॉफी एंड कपकेक। नाउ everybody is having their tea और सब लोग बहुत खुशी है क्योंकि Wi-Fi जो है मिल गया, वरना कल से किसी का भी पास नेटवर्क नहीं था। तो ये है हम लोग का रूम, यहाँ में दो बेड पंखा टीवी टेबल और यहाँ में आपका छोटा सा क्लोसेट एंड दिस इज़ द वॉशरूम छोटा सा, और यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली वी शुड हैव अ बैल्कनी। सी आई वाज राइट, दिस इज़ द बैल्कनी एंड दिस इज़ द व्यू। सो राइट नाउ वी आर एट मोंगर जैसे हमने पहले बताया एंड आज का जर्नी बहुत ही टायर्ड सम था, अभी बहुत थक गया। सो अभी हम जाके रेस्ट करेंगे, एकदम फ्लैट हो जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं बचा हम लोग का, एक दो दिन में हम लोग अभी आसाम बॉर्डर पहुँच जाएगा। तो अभी वीडियो यहीं तक रखते हैं ना, ठीक है। होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द साइड डिस्टेंस चैनल। टिल देन साइनिंग ऑफ सराय डिजिटल नेटवर्क, गुड बाय।